कोरोना काल में आर्थिक मंदी से गुजर रहे पटरी व्यवसायों, ठेला, खुमचा, रेहड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में नाई, धोबी सहित गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करने वाले लोगों को प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी राहत देने का ऐलान किया है, जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थियों को 1,000 रुपए भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। जिसके संबंध में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पटरी व्यवसायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ठेला, खुमचा, धोबी, मोची सहित अन्य लाभार्थियों को शासन के निर्देश पर 1,000 रुपए भरण पोषण भत्ता मुहैया कराया जाएगा, जिसकी सूची तैयार की जा रही है और इसी माह उन्हें उनके खाते में धनराशि भेज दी जाएगी, जिससे उनका भरण पोषण हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया, ये ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में है। ग्रामीण क्षेत्रों का जिला पंचायत अधिकारी नोडल अधिकारी हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो दैनिक वेतन भोगी, मतलब दैनिक कार्य करके जो अपना एक गुजारा करते हैं, जीविकोपार्जन करते हैं, लाइक जैसे ठेला है, खोमचा है, या जो रेहड़ी लगाते हैं, या खोखा लगाते हैं, या जो धोबी हैं, नाई हैं, मोची हैं, या ऐसे हलवाई हैं जिनका कि GST जो नहीं देते हैं, धोबी में भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि ऐसा धोबी जो ड्राई क्लीनिंग नहीं करते, मतलब ऐसा जो कि बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करते हैं, ऐसे लोगों का चूँकि कोरोना काल में सरकार को ये लग रहा है कि लॉकडाउन या बाकी वजह से उन लोगों की थोड़ा जो है कमाई पर असर पड़ा है, इसलिए सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित करके 1,000 रुपया इस माह जो है जून के माह में देने का सरकार ने प्रावधान किया है। इसके तहत हम लोग अभी हर गांव में एक टीम बना रहे हैं, जो टीम घर घर में, मतलब गांव में जाकर के पता करेगी, जो भी लोग ऐसा कोई भी रेहड़ी या जो ठेला या कुछ भी लगाते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनका मोबाइल नंबर, उनका जो बैंक डिटेल्स हैं, उनका आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड का फोटो कॉपी, सारे डिटेल्स लेकर के इकट्ठा करके ये सब DPRO ऑफिस में ये करेगी। वो लोग जो भी है साथ में अपना ये भी देंगे, सत्यापित भी करेंगे, ये सही में ये पात्र हैं, ये गरीब हैं, इनको सही में दिया जाए, ऐसे ऐसे पात्रों को दे करके उसके बाद हम लोग फिर इसको DPRO ऑफिस में इन सबों को राहत आयुक्त का जो राहत ऑफिस का जो साइट है, वेबसाइट है, उस पर उसकी एंट्री करी जाएगी। उसके बाद जो एक कमेटी बनी हुई है, जिस कमेटी के DM साहब अध्यक्ष हैं और उसमें CDO साहब और बाकी ADM FR और बाकी सारे सदस्य नगर आयुक्त साहब हैं, वो कमेटी जो है, इसमें DSO साहब भी, वो कमेटी फिर उसको ये करेगी, पास करेगी, अप्रूव करेगी, फिर वो जो है इकुबेर के मार्फत से फिर ट्रेजरी से उसका जो भी है धनराशि 1,000 रुपये की उन लाभार्थियों के खाते में चली जाएगी, जिनको भी सरकार ने या नीचे से लोगों ने चिन्हित करके भेजा है। सर, मान लीजिए अगर अधिकारी वाले पहुँच पाते हैं तो लाभार्थी कैसे संपर्क करेंगे, किससे करेंगे? अगर नहीं समझ पाते हैं तो DPRO ऑफिस में लाभार्थी कभी भी संपर्क कर सकते हैं। DPRO ऑफिस में जो 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 हमारा ऑफिस है, जो हमारे ऑफिस का नंबर है, उस पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम लोगों का 2-3 नंबर मैं इस उपलब्ध करा देता हूं, एक मेरा स्वयं का नंबर है 7668559126। इस पर किसी भी समय कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपने बारे में बता सकते हैं, हम लोग उसकी जाँच कर लेंगे, अगर वो पात्र पाए गए तो उनको मिलेगा। इसके अलावा जो हमारे अपर जिला पंचायत अधिकारी हैं, उनका नंबर है 9415873573। इस नंबर पे भी कॉल करके वो बता सकते हैं, इस नंबर पे भी जैसे अगर इन्फॉर्म करेंगे तो इस नंबर पे भी व्हाट्सएप चलता है, ये भी एक हेल्पलाइन नंबर है, इस पे भी बात करके वो बता सकते हैं अपना कि हम इस तरह से इसके पात्र हैं, तो उन सबों को भी दे दिया जाएगा अगर जांच करा करके टीम के द्वारा, अगर वो यदि उनकी पात्रता सही पाई जाती है। इसके अलावा एक और नंबर है 9450197801, ये हमारे ऑफिस में DPC है बच्चा सिंह, उनका नंबर है। इस नंबर पे भी अगर कोई बात करना चाहे, इस नंबर पे भी बात करके वो अपनी बात बता सकता है कि हमें, हम इस तरह से लाभार्थी हैं, हमें इसकी ज़रूरत है या हम इसको डिजर्व करते हैं, तो उसको दिया जाएगा। और एक चौथा और आखिरी नंबर है जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, वो है 9565039492। ये नंबर है आशीष श्रीवास्तव का, जो कि हमारे DPC हैं। इस नंबर पर भी कॉल करके कोई भी अपने बारे में बता सकता है कि हमें ज़रूरत है पैसे की, 1,000 रुपये हम डिजर्व करते हैं, पात्रता के श्रेणी में आते हैं, तो ऐसे किसी भी लोगों को इंटरटेन करके उनका जांच करा कर, अगर जांच के उपरांत सही पाया गया सत्यापन के उपरांत, तो उनको 1,000 रुपये की धनराशि के लिए उसका नाम जो है वेबसाइट पर फीड कर दिया जाएगा।